हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ दिल्ली के मॉनसून मेले में, जो कि है यहाँ पे छतरपुर के पास। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या स्पेशल है इस मॉनसून मेले के अंदर में, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि यहाँ पे क्या मिलता है। तो डेकोरेशन काफ़ी अच्छा और सुंदर लग रहा है ये। तो इंडिविजुअल के लिए है 40 रुपीज़ एंड बच्चों के लिए है फ्री। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ का प्लांट विच इज़ टू ब्यूटीफुल। ये सारी चीज़ें सेल के लिए है, आप घर पे लगा सकते हो। तो अगर हम इसे बाय करते हैं तो इसका प्राइस है 2,500 रुपीज़ फॉर दिस, कह सकते हैं पॉट या ट्री वाला पॉट इसका प्राइस है। तो वैसे ही सबका अलग अलग प्राइस है। तो यहाँ पे जो इनका ट्रेडिशनल डांस आप देख सकते हैं। ये छतरी जो बिल्कुल मानसून वाला ही पूरा सीन दिखा रहा है। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया है, पूरा ट्रेडिशनल वाला जितना है देख सकते हैं। जहाँ का जो फेमस है वो पूरा एकदम यहाँ का हैंडीक्राफ्ट हर जगह, मतलब हर सिटी का यहाँ पे लगाया हुआ है। सारा चीनी मिट्टी वाला सामान है। दिस इज समथिंग यूनिक, यह के शॉप में क्या अलग लग रहा है वो है ये आर्टिफिशियल फिश, जो कि बहुत ही अलग सा लग रहा है। रियलिस्टिक ये क्या प्राइस है वैसे इसका? 250 ईच, मतलब फिश के साथ। इसको पानी में हम लोग ऐसे डाल के हैंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है ये। 250 रुपीज़ पर ईच। जब आप स्टार्टिंग में आओ तो भैया का सबसे पहला शॉप दिखेगा जिसपे ये जो है काफ़ी प्यारा सा लगा रखा है इन्होंने। अगर नहीं नेक्स्ट चलते हैं तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। कुछ ट्रेडिशनल वेयर में अगर आप पहनते हो एज अ माला, ये काफ़ी यूनिक और सिंपल था, भी काफ़ी क्यूट लग रहा है ये। ये 600 की रेंज में है। ये 400 से स्टार्ट। अच्छा 400। ये हैंडबैग देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी जो है सारा का सारा जो हर एक देख सकते हैं अलग अलग स्टेट का था। वो वाला जो मैंने दिखाया वो लद्दाख आर्ट क्राफ्ट था और ये वाला है कर्नाटक का टॉयज। तो ये देख टू गुड, इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है। मुझे पता ही नहीं लगा कि लट्टू है, बट कितना अच्छा लग रहा है। ओके परफेक्ट, कितना सही घूम रहा है ये लट्टू। अच्छा एंड ये बर्ड वाला, इसका ये विसल है। ओके कुछ बहुत हैंडीक्राफ्ट जो बनाया बहुत ही अच्छा है, बट है थोड़ा सा प्राइस में कॉस्टली। यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी है तो मुझे लगा कि नहीं होगा, तो चलिए देखते हैं खाने पीने वाले में क्या है। मुझे भी सीड्स दिखाइए, मिक्स सीड है आपके पास? है महेश जो है सुपारी के नाम पे जो है यहाँ पे दिल्ली का ये ऑर्गेनिक फूड है यहाँ पे। तो जो कि मैंने ट्राई किया था, यहाँ पे सारे सैंपल लगे हुए हैं, उसमें से जो मुझे बेस्ट लगा ना बनाना वाला, जो कि मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा। राउंड बनाना वाला शेप का जो आता है चिप्स, वो तो हर जगह मिल जाता है, बट इनका शेप भी अलग था, टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट किया, इसलिए मैंने वो लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मिक्स सीड लिया है जो कि 700 का कुछ का पड़ा और ये 195 का है। नाने का चम्मच जो कि मैंने राउंड ही देखा है यहाँ पे इस शेप का है, इसको ट्राई करते हैं। जो इनका प्राइस है ना उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी वर्थ इट है, जो कि मैंने यहाँ पे लिया। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था और साथ ही साथ मैंने मिक्स जो है सीड लिया है, जो कि वैसे पता है सबके लिए हेल्दी, मतलब कितना हेल्दी होता है। सी सो आई हैव परचेज दिस वन परफ्यूम विच इज़ टू गुड। ऐसे काफ़ी सारी वैरायटी है इनके पास, फ्रूटी वाला वैरायटी भी था। ये देख सकते हैं राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट, जो कि मेरे पीछे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और
ये नेम प्लेट है, इसको अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे भैया ने वहाँ पे लिखाया हुआ है नाम इस टाइप का मंदी पार्ट, वैसे ही घर के सामने आप लगा सकते हैं जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है नाम के साथ 1200 रुपये का। सो ऑफकोर्स अच्छा तो है बट काफ़ी कॉस्टली है, मेरे जैसा अगर जिसका जेब खाली है उसके लिए तो आना थोड़ा सा टिपिकल होगा यहाँ पे, बट अच्छा है काफ़ी। तो फिलहाल अभी तक जो मैंने परचेस किया है वो किया है अभी तक सिर्फ खाने वाला सामान, यानी कि सीड्स एंड परफ्यूम मुझे लेना था। देखते हैं और क्या है यहाँ पे। तो नीचे है कुछ खाने का कोर्ट जो मुझे आई थिंक हमें जाना नहीं है वहाँ, फूड कोर्ट ऐसा है मतलब, आप बताओगे मतलब केमिकल फ्री हैं सारे। अच्छा केमिकल फ्री हैं, खाने से कुछ डिफरेंट मतलब स्किन टाइप से भी, ड्राई स्किन हो तो बटर सारे सोप से, ऑयली के लिए सी सॉल्ट है। अच्छा मोगरा है आपका, चारकोल वाला है। कोई ऐसा सोप हो जो जैसे कि क्या बोलूं डेड स्किन रिमूव करता हो, कोई ऐसा सोप है आपके पास? चारकोल ओट्स वाले भी है, वेनिला हनी बनाना। ओके देखिए ये सोप कितना अच्छा लग रहा है, लग नहीं रहा कि ये सोप है स्किन के लिए। तो ये वाला हम लोग ले रहे हैं चारकोल वाला एक, और सेकेंड है हम लोग रोजमेरी वाला, मैंने सोचा था ऑनलाइन लेना था बट हमें यहाँ मिल गया तो हम लोग सोचे ये भी ले लें। तो आप इन दोनों का कर दो। तो फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं, मैं पहले ट्राई करूँगी, तो पहले ट्राई करने के बाद अगर रिज़ल्ट अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जाऊँगी। तो ट्राई के लिए फ़िलहाल मैं ये दो चीज़ ले रही हूँ, एक हेयर और एक फेस के लिए। तो मैम ने जो अभी बिल बना रही है उसके बाद हम आके बाद में इसे सामान लें। काला तिल ब्लैक, ओके अच्छा ये लकड़ी से जो मार्केट में होती है वो लोहे की होती है, इससे जब तेल निकलता है। कहने का मतलब ये कोल्ड प्रेस वाला जो है वो है ऑयल, मैंने काफ़ी इसके बारे में पढ़ा तो है बट फर्स्ट टाइम मैंने इसको ऐसे ऑयल मैंने यहाँ पे प्रेस होते हुए देखा है। अच्छा इसमें अभी हमने ब्लैक सेसम ऑयल निकाला है बॉडी पेन जॉइंट पेन हेयर फॉल और मसाज के लिए। अच्छा और इसमें हम कुकिंग भी कर सकते हैं। ओके आलमंड ऑयल निकालते हैं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं। तो अगर बिल्कुल ऑर्गेनिक तेल चाहिए तो आई थिंक ये बेस्ट जगह है तेल के लिए। ये मैम सेसम सीड्स है वैक्यूम पैक। जो है अभी मैंने ये लिया है फाइनली एक तेल ट्राई करते हैं सैंपल। ये जो है कोल्ड प्रेस है जैसे कि वहाँ पे देख सकते हैं मैंने दिखाया है कोल्ड प्रेस, तो इसे भी ट्राई करते हैं क्योंकि मुझे तो वैसे भी सारा कुछ लेना है। तो चलिए ये इसका आप एक बिल बना दो, मतलब जितना भी हमने घूमा उसमें से हम इतनी सारी चीज़ों की हमने शॉपिंग कर ली, आप ज़्यादा नहीं घूमेंगे नहीं तो हमारा जो है वो पॉकेट खाली हो जाएगा बिल्कुल। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए पेमेंट काउंटर में, तो फाइनली चलिए जल्दी से करते हैं इसको फाइनल पेमेंट। तो फाइनली हमने जो ऑलरेडी 2000 से अबव का जो है हमने अपना बिल बना चुका है, तो अभी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, चले चलते जल्दी से बाहर। तो काफ़ी सारी तो नहीं मतलब जितना भी खरीदा भले ही देखो देखने में कम लग रहा होगा बट अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा है। वो सारी चीज़ें मैंने वही खरीदी है जो मुझे बाहर नहीं मिलती है और जो थोड़ा सा ऑर्गेनिक है जैसे कि आपने देख ही लिया होगा प्रीवियसली। तो देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट लगाने पर, आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दैट चारकोल फेस मास्क। हो चलते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग पे आपके साथ और न्यू कंटेंट के साथ। तो अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने रहे हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।